रामचरितमानस को लेकर सौमित्र प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी घमासान जारी है। बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सवाल उठा रही है, साथ ही साधु संत भी नाराज हैं। ओबीसी के कुछ संगठन सौमित्र प्रसाद मौर्य के समर्थन में जरूर खुलकर सामने आए। सपा कार्यालय के करीब गर्व से कहो हम शूद्र हैं कि पोस्टर भी नजर आए। रामचरितमानस को लेकर जारी विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कामेश्वर चौपाल ने रामचरितमानस और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को लेकर उठते सवालों पर कहा कि मानस की शुरुआत में ही लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम। इसमें शूद्र को छांटा या अलग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हर जीव में सीता और राम के दर्शन का तुलसीदास ने वंदन किया है। उन्होंने कहा कि शूद्र क्या, हर जीव इसमें शामिल है। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि भारत का दर्शन है कि कण कण में शंकर है, और अगर अब कोई सूर्य के अस्तित्व को नकार दे तो क्या कहें। रामचरितमानस के साथ भी ऐसा ही है। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि अगर कोई इसको देख नहीं पा रहा है तो उसका दोष नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको वो दिखाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि प्रभु की इच्छा ही है जो मेरे जैसे लोगों को अपने काम में उपयोग किया। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि राम के काम से बड़ा कोई काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, मेरे जीवन में राम के काम से बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। गौरतलब है कि कामेश्वर चौपाल राम मंदिर ट्रस्ट के एकमात्र दलित सदस्य हैं। वो साल 1989 से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कामेश्वर चौपाल ने साल 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में शिलादान कर अपनी कार सेवा की। रामचरितमानस विवाद के बीच कामेश्वर चौपाल ने नाम लिए बिना ही सौमित्र प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। आपको बता दें कि सौमित्र प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताया था और कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना खुद की खुशी के लिए की थी। उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाते हुए उन्हें दलित और महिला विरोधी बताया था, साथ ही ग्रंथ से इन चौपाइयों को हटाने की मांग भी की थी, और इसी बयान से घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने जरूर इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना कुछ बोले ही उनका समर्थन किया है। सपा की नवगठित कार्यकारिणी में सौमित्र प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। अखिलेश यादव ने एक धार्मिक यज्ञ में शामिल होते समय अपने विरोध को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था और आरोप लगाया था कि सत्ताधारी पार्टी वाले पिछड़ों को शूद्र मानते हैं।